साथियों नमस्कार, मैं राकेश लेकर आया हूँ एक हस्तकला से संबंधित टॉपिक, पोटरी कला। पोटरी कला क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण कार्य क्या कहलाता है? पोटरी कला। चीनी मिट्टी मैं बात करूँ चीनी मिट्टी तो चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है, चाइना क्ले या चीनी मिट्टी। और चीनी मिट्टी का जो शोधन यंत्र स्थापित है वो माउंट आबू सिरोही में स्थापित है। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध पोटरी है वो है ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी का जो मूलतः स्थान माना जाता है वो परसिया ईरान माना जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में जो ब्लू पोटरी का केंद्र है वो है जयपुर। सर इसको लेकर कौन आए? इसको लाने वाले थे मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो अकबर के काल में लेकर आए, जो अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे मानसिंह प्रथम। लेकिन ब्लू पोटरी का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो हुआ राम सिंह सेकेंड के काल में, जिन्हें ब्लू पोटरी का स्वर्ण काल कहा जाता है, राम सिंह सेकेंड के काल को। इनके काल में आपको दो कलाकारों के नाम याद रखने, एक तो चूड़ामन और एक कालूराम। इन चूड़ामन और कालूराम को दिल्ली में भोला ब्राह्मण के पास भेजा राम सिंह सेकेंड ने। और ये कालूराम, ये चूड़ामन एक कुमार जाति के प्रसिद्ध कलाकार थे जो बयाना भरतपुर के रहने वाले थे। इस प्रकार राम सिंह सेकेंड ने इस ब्लू पोटरी के विकास में योगदान दिया। धीरे धीरे राम सिंह की मृत्यु 1880 के बाद ये ब्लू पोटरी विलुप्त होने के कगार पर थी, यानी कि इसका धीरे धीरे प्रचलन कम हो गया। इसके बाद इसको जो पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है राजमाता स्वर्गीय गायत्री देवी को, जिन्हें राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त। गायत्री माता, इनका निधन 2009 में हो गया और इन्होंने राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की जयपुर में 1963 में। राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की 1963 में। और जो इसके प्राचार्य बनाए गए, यानी कि राम सिंह शिल्प कला मंदिर के जो प्राचार्य या निदेशक बनाए गए वो बनाए गए कृपाल सिंह शेखावत को, जिन्हें ब्लू पोटरी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें जादूगर किस लिए कहा जाता है? मैं बात करूँ कृपाल सिंह शेखावत की, तो कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में सीकर जिले के महू गांव में हुआ। इनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इनको 1980 में कलाविद पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद इनकी 15 फरवरी 2008 को मृत्यु हो गई कृपाल सिंह शेखावत। जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो ये कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने मुख्यतः पोटरी कला में लाल और हरा रंग का प्रयोग होता है, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोटरी कला में ये 25 रंगों का समावेश किया, इसलिए इसे कृपाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थी ब्लू पोटरी। इसके मैं बात करूं ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोटरी तो सर कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोटरी या काली पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। एक प्रश्न आता है कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोटरी तो अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोटरी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसे डबल कट वर्क पोटरी भी कहा जाता है, कागजी पोटरी अलवर। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि पोकरण पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? पोकरण जैसलमेर में है, तो पोकरण पोटरी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, इसे ही पिंक पोटरी कहा जाता है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि बीकानेर पोटरी को किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर पोटरी जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसे सुनहरी पोटरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करूं पोटरी के प्रमुख कलाकारों की, कि पोटरी कला के जो मुख्यतः कलाकार है उनके नाम इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रभु दयाल यादव, त्रिलोक चंद, भगवान साय और मीनाक्षी और नाथीबाई, ये इस पोटरी कला के मुख्यतः कलाकार माने जाते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।